हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लीडी पटेंट। सो इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द कलि सती विश्वविद्यालय एडमिशन 2024। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होने वाला है और यहाँ से करने को मिलेगी आपको बीटेक इन वेरियस स्पेशलिटीज। तो हम देखेंगे कि क्या क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट है बीटेक में एडमिशन लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी से, इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा काउंसलिंग वगैरह कैसे होगी और जो कट ऑफ रहती है इस इंस्टीट्यूट की। तो हम देखेंगे किस कैटेगरी में किस रैंक तक जो लास्ट सीट है वो अलॉट हुई है इन वेरियस डिसिप्लिन्स। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज का हमारा इंस्टीट्यूट है गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड इट इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज इन लालबाग वडोदरा गुजरात। और एस्टेब्लिश क्यों किया गया था? सो द जीएसवी एस्टेब्लिश विद अ यूनिक मैंडेट टू क्रिएट ए पूल ऑफ बेस्ट इन क्लास प्रोफेशनल फॉर द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स अक्रॉस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड पॉलिसी कंप्राइजिंग ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एंड रिसर्च। मीन्स अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो उसमें एक अलग स्पेशलिटी रिक्वायरमेंट होती है टू केटर द नीड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। स्टूडेंट्स विल बी यूनिकली क्वालिफाइड टू सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट इन द ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज एंड क्रूशली केटर टू द राइजिंग डिमांड्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। सो बेसिकली यहाँ पर जो बीटेक होने वाली है इट मेनली फोकस ऑन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। बेसिकली जो रेलवे की टेक्नोलॉजी होने वाली है द कोर्स विल फोकस ऑन दैट। दिस इज द एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 एंड बीइंग अ यूनिवर्सिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड द जीएसवी फोकसेस ऑन द ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक रिलेटेड एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन टू द फॉलोइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स अक्रॉस इंजीनियरिंग। सो यहाँ पर आपको बीटेक के अलावा एमटेक, एमबीए और पीएचडी ये भी करने को मिलेगा। सभी के जो एप्लीकेशन है वो ओपन है। सो बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द बीटेक प्रोग्राम्स। क्लास ट्वेल्थ के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है इस यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ पर टोटल छह ब्रांचेस है जहाँ पर बीटेक अवेलेबल है। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेलवे स्पेशलाइजेशन, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद रेलवे स्पेशलाइजेशन, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स एंड बीटेक इन एविएशन इंजीनियरिंग। चार साल का होने वाला है कोर्स ड्यूरेशन और हर कोर्स में है 60 सीट्स। बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सो 10+2 में आपके पास पीसीएम होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन पीसीएम सब्जेक्ट्स एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो है 50%। सेलेक्शन कैसे होगा? सेलेक्शन विल बी ऑन द बेस ऑफ द जेईई मेन 2024 स्कोर और जो काउंसलिंग होगी वो जोसा के थ्रू होगी। एनुअल ट्यूशन फीस जो रहने वाली है वो रहने वाली है 1,53,100 रुपीज। ये सिर्फ ट्यूशन फीस, इसमें और सारी फीस भी ऐड होती है तो भी लास्ट में देखेंगे कि टोटल फीस कितनी लगने वाली है आपको पर ईयर। बेसिकली जब जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद जो मेन प्रोसेस है काउंसलिंग का वो स्टार्ट होगा। सो अब देखते हैं जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले आपको विजिट करना है gsb.ac.in इस वेबसाइट पे एंड क्लिक ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन टैब अंडर द एडमिशन विच मेक्स यू टू द स्मार्ट पोर्टल। सो जब इस साइट पे जाएंगे सो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन नाम का एक टैब मिलेगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन विंडो पे। एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। सो 2-3 दिन में लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा तो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। द लिंक विल ऑल्सो बी रनिंग एट द टॉप मार्जिन ऑफ द जीएसवी वेबसाइट, ऊपर ही मिल जाएगा आपको लिंक। आपको करना है वहां पर रजिस्टर विद योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन के बाद यू हैव टू लॉग इन एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। लॉग इन करने के बाद आपको वहां भरनी है आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, कैटेगरी भरनी है, फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और जो बाकी डिटेल्स होती है फॉर्म में वो सारी भरनी है वहां पर। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर प्रोग्राम लेवल, क्योंकि यहाँ पर बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही प्रोग्राम होते हैं। सो आपको सेलेक्ट करना है बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। सो बीटेक या एमबीए में से आपको करना है सिलेक्शन तो आप करेंगे बीटेक सेलेक्ट, आगे प्रोसीड कर जाएंगे। नेक्स्ट आएगा प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन। सो प्रोग्राम सिलेक्शन में आपको कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद भरनी है आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स, सेव नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यू हैव टू चूज द प्रोग्राम इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस एंड क्लिक अपडेट। अपने जो प्रोग्राम प्रेफरेंसेस जो छह यहाँ पर बीटेक के ऑप्शन अवेलेबल है वहां पर देंगे आप अपनी प्रेफरेंस, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यू हैव टू रिक्वायर टू अपलोड योर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, अपलोड करने के बाद कर देना है सबमिट। तो जैसे सिंपल फॉर्म भरते हैं वो सारा प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा लास्ट में पे करनी है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस। सो आप एप्लीकेशन फीस जब पे करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पे जाते हैं और आपके सामने मिल जाएगा एक पेमेंट आईडी। उस पेमेंट आईडी को आप अपने फॉर्म में करेंगे एंटर और अपनी एप्लीकेशन को कर देंगे सबमिट। उसके बाद जो फाइनल सबमिशन है वो हो जाएगा एप्लीकेशन रिसीव्ड सक्सेसफुली एंड सबमिटेड आफ्टर वेरिफिकेशन, इस तरह का पॉपअप आएगा। तो आपकी एप्लीकेशन हो चुकी है सबमिट। उसके बाद कर लेंगे आप डाउनलोड अपना एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस ईमेल आईडी एंड दिस नंबर। जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 500 रुपीज फॉर द जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस
और 250 rupees फॉर द SC/ST पीएलडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। इसके अलावा अगर आप ले लेते हैं यहाँ पर एडमिशन, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल एड है वो भी मिलेगा आपको। मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप अवेलेबल है अप टू 100% ऑफ ट्यूशन फीस एंड 50% ऑफ द हॉस्टल फीस फॉर द एलिजिबल स्टूडेंट। अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है तो उस केस में जो 100% स्कॉलरशिप है वो मिलेगी इन द ट्यूशन फीस एंड 50% स्कॉलरशिप इन द हॉस्टल फीस। अगर 3 लाख से कम है तो उस केस में 90%। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की कि फीस कैसे रहने वाली है। जो ट्यूशन फीस तो आपको बताई थी, ट्यूशन फीस रहने वाली है फॉर द बीटेक प्रोग्राम 1,53,100 rupees। इसके अलावा जो बाकी सारे चार्जेस हैं यूनिवर्सिटी के वो भी हैं, तो ये सब आप चार्जेस देख सकते हैं किस किस के कितने कितने चार्जेस हैं। सो जो हॉस्टल चार्जेस रहने वाले हैं वो डबल शेयरिंग के लिए और ट्रिपल शेयरिंग के लिए। डबल शेयरिंग के लिए 1 ईयर का है 39,600 और ट्रिपल शेयरिंग के लिए है 26,400। इसके अलावा बिजली का बिल 6,000 रुपये, मैस एडवांस में ही जमा करने हैं आपको 55,000 रुपीज़ पर ईयर। इस तरह से एक साल में जो टोटल फीस बनेगी, अगर आप डबल शेयरिंग रूम लेते हैं तो उस केस में 2,72,200 रुपीज़ और अगर आप ट्रिपल शेयरिंग रूम लेते हैं तो उस केस में 2,59,000 रुपीज़ बनेगी फीस एक साल की। 3 लाख रुपीज़ मान लो और टोटल 4 साल का कोर्स है तो टोटल आपके लगने वाले हैं 12 लाख रुपीज़ फॉर द एंटायर बीटेक कोर्स हीयर। सो बीटेक कोर्स की फीस ज़्यादा ही है, आप कहीं भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देख लें एक्सेप्ट सम यूनिवर्सिटीज जहाँ पर फीस काफ़ी कम है जो CET के थ्रू आती हैं। सभी कोर्सेज में जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा ही है। अब बात करें कि मेजर रिक्रूटर्स कौन है यहाँ से, जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंपनी से यहाँ विजिट करती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को फोकस करके पूरा बीटेक होने वाला है। तो द रिक्रूटर्स आर ऑल्सो द ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनीज लाइक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, अरूप, DTDC, चीतक लॉजिस्टिक्स, हिटाची वेंटारा। सो ये सब जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करते हैं वो सारी कंपनीज यहाँ पर रिक्रूटर्स होती हैं। DHL, अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, एयरबस, IBM, सीमेंस, अल्ट्राटेक, राइट्स गवर्नमेंट कंपनी है। इसके अलावा RVNL गवर्नमेंट कंपनी है, L&T, ये सारे यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स हैं। इसके अलावा द यूनिवर्सिटी हैज पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, रशियन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, बार्कलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। सो ये सब जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से गतिशक्ति विश्वविद्यालय का टाइप है। सो यहाँ पर जो ट्रेनिंग और टीचिंग दोनों में इंटरनेशनल जो फ्लेवर है वो मिलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर और इस साल क्या रहने वाली है कट ऑफ। सो ये हमारे पास लास्ट ईयर की कट ऑफ है फॉर द फर्स्ट राउंड मिशन 2023-24 लास्ट ईयर की कट ऑफ है। सो ब्रांच वाइज आप कट ऑफ देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। सो अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की तो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी वो इसी ब्रांच की गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। ओपनिंग रैंक थी 99.37 परसेंटाइल और क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड 95.66 परसेंटाइल पे। इसके अलावा जो ECE है उसमें 98.82 से स्टार्ट हुआ था और क्लोज हो गया था 94.30 पे। इलेक्ट्रिकल में 96.3 पे स्टार्ट हुआ था और 92.96 पे क्लोज हो गया था। मैकेनिकल की ओपनिंग हुई थी 97.58 पे और क्लोज हुआ था 92.11 पे। इसके अलावा जो सिविल है उसकी स्टार्टिंग हुई थी 97.29 पे, क्लोज हुआ था 90.98 पे। सो ये है जनरल कैटेगरी की रैंक्स। इसके अलावा जो EWS, OBC, SC और ST जो इनकी रैंक है, सो ओपनिंग रैंक क्या थी, इनके अलावा जो इनकी क्लोजिंग रैंक थी वो क्या थी, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कहाँ से ओपन हुआ था और कहाँ क्लोज हुआ था। ये है राउंड वन की कट ऑफ। अब देख लेते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, किस रैंक तक या किस परसेंटाइल तक लास्ट एडमिशन हुआ है। सो ये हमारे पास फाइनल कट ऑफ एडमिशन लास्ट ईयर कहाँ पर क्लोज हो गए थे। सो आप देख सकते हैं ब्रांचेस और उसकी कट ऑफ। सो अनरिजर्व के लिए जो AIDS है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, उसके लिए जो कट ऑफ थी वो लास्ट गई थी 92.9623। इस परसेंटाइल वाले स्टूडेंट को मिला था लास्ट ईयर इस ब्रांच में एडमिशन। इसके अलावा ECE में 91.6856, इलेक्ट्रिकल में 87.5822, मैकेनिकल में 82.49, सिविल में 68.38। इसके अलावा EWS में, OBC में, SC में और ST में आप देख सकते हैं कितनी कितनी कट ऑफ गई थी फॉर ईच कैटेगरी। सो कैन सी सिविल में जनरल कैटेगरी में 68 परसेंटाइल पे भी जो एडमिशन है वो हुआ है। सो JEE मेंस में अगर आपकी रैंक या परसेंटाइल 80-85 भी आ रही है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत चांसेस हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमें अप्लाई कहाँ करना है। सो ये वीडियो से मिल गई आपको इन्फॉर्मेशन कि आप इसको भी फोकस में रख सकते हैं अगर आप बीटेक करना चाहते हैं फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। सो दिस इज अबाउट द डिटेल अबाउट द गतिशक्ति विश्वविद्यालय विच इज इन लालबाग, वडोदरा, गुजरात। सो अगर आप भी
देख रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से बीटेक के बारे में, सो आप इस यूनिवर्सिटी को भी फोकस में रख सकते हैं। फॉर्म फिलिंग जो है ओपन है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो यूनिवर्सिटी का लिंक है आई विल गिव इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर सच क्विक अपडेट्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट एंड हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोज। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग।